वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम करने वाले हैं रेड फूड चैलेंज। सो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें नहीं पता कि इसमें क्या होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है। 24 घंटे के अंदर मुझे जब भी भूख लगेगी मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड फूड खाना है, मतलब लाल फूल रेड फूड खाना है, मतलब लाल जो है वो मुझे खाना खाना है इसका मतलब। एंड पहनने पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी रेड वाइब क्रिएट करूं। तो अभी ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेट्स गो। एंड या अभी चलते हैं किचन में और देखते हैं हमें रेड फूड क्या मिलता है, और फिर हम यहीं पर आएंगे दोबारा स्टूडियो में। तो अभी किचन में चलते हैं। ओके कोई भी फूड नहीं दिखा टमाटर और गाजर के अलावा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किया जाए। देखने में काफी ज्यादा सुंदर, यमी, टेस्टी सब कुछ लग रहा है, बट खाने में पता लगेगा कि खाने में कैसा लग रहा है। तो अभी फटाफट हम टेस्ट करते हैं कि मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट मैंने करा है ये कैसा खाने में लगता है। मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है, आई एम सो एक्साइटेड। ये है मेरी रेड टी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको खाना। वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी रेड टी से। नॉट बैड, मतलब नॉर्मल जैसे होती है, बट थोड़ा ठंडी हो गई है। अब हम खाते हैं ऑमलेट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे खाने के लिए। माय गॉड, बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा रेड है। सो गाइज, हमारा रेड ऑमलेट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आई नो आपके मुंह में जरूर पानी आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है। फुर्सत में निकाल। And... तो भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। बहुत टेस्टी हो रहा है यार, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। जरूर आप इसे ट्राई करना। मैंने इसमें गाजर टमाटर ऑमलेट के ऊपर से डाला है, बहुत टेस्टी लग रहा है। सो बिहाइंड द कैमरा यहाँ पर मेरा भाई है जो मेरी वीडियो शूट कर रहा है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ये टेस्ट करके बताए उसे कैसे लग रहा है, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहा है। आजा गोलू, इधर आजा, से हेलो। हेलो गाइस। तो इसे टेस्ट करके बता कैसा हो रहा है। बहुत टेस्टी हो रहा है, आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू। तो मैं आपसे लंच टाइम पर मिलती हूँ, तैयार होकर हम बाहर जाएंगे खाना खाने, रेड कलर का, मैं और लक्ष्य। और अभी मैं इसे फटाफट करती हूँ खत्म। बहुत यमी हो रहा है, बहुत यमी हो रहा है, लिटरली आप जरूर ट्राई करना, बहुत यमी हो रहा है। बस आपको टमाटर और जो है वो गाजर डालने। सो भी लंच टाइम हो चुका है और गोलू और मैंने जो है रेड रेड पहना है और हम बाहर जाने वाले हैं लंच खाने के लिए। और बाहर जाकर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाने के लिए मिलता है। एंड मेरी जो लिपस्टिक है वो थोड़ा डार्क हो चुके हैं, एंड मैं इतनी डार्क लिपस्टिक लगाकर बाहर नहीं जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट मैं मास्क से जो है से छुपा लूंगी, तो देखते हैं। सो गाइज, अभी हम रायपुर चौक पर हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ जाएं रेड फूड के लिए। सो गाइज, गेस करो कि हमने रेड फूड में क्या ऑर्डर दिया होगा। तो हमने रेड फूड में ऑर्डर दिया था रेड सॉस पास्ता। और साथ में हमने एक ड्रिंक भी ऑर्डर करी थी, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो ड्रिंक आप देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी यहाँ पर है, एंड आई डोंट नो इसमें क्या क्या है, बट टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ज्यादा मीठी है, थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से मीठी है। बहुत ठंडा। पहली फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। एंड हमारा रेड सॉस पास्ता, आई एम सो एक्साइटेड। एंड अभी रेड सॉस पास्ता टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा हो रहा है। वैसे हम यहाँ पर जजिंग के लिए तो नहीं आए हैं, हमें रेड फूड से मतलब है, बट फिर भी क्या बढ़िया था गुरु। वाओ, बहुत यम्मी हो रहा है रेड सॉस पास्ता, एक नंबर, बहुत सुंदर। गाइस, इट इज सो यमी, आप भी आइएगा यहाँ खाने। बहुत टेस्टी हो रहा है रेड सॉस पास्ता। गाइस, मैं पहली बार लंच में पास्ता खा रहा हूँ, फास्ट फूड खा रहा है ना, मैं भी मतलब नहीं, मैं तो खाते रहती हूँ। सो ये था हमारा लंच, रेड सॉस पास्ता और रेड ड्रिंक। ये चैलेंज करके ना मतलब मजा आ रहा है कि रेड आगे हमें क्या खाना है, आगे हमें क्या खाना है, बट मजा बहुत आ रहा है। और नई डिश के साथ हम आपको मिलेंगे अभी शाम को। शाम को स्नैक्स में हम क्या खाते हैं वो भी आपको बताएंगे। एंड अभी हम अपना रेड सॉस पास्ता एंजॉय करते हैं। तो गाइस, अभी हम जाने वाले हैं पेस्ट्री खाने, तो चलो आ जाओ।
ये क्या है, क्या नाम है इसका? चोकोमूज। एक ये दे दीजिए, एक ही चाहिए बस। और एक नहीं, चल गोलू जल्दी से टेस्ट करो और बता कैसा हो रहा है। क्या ये वैसे इसका नाम क्या है? मुझे नाम तो नहीं पता, पर मैं इसका सिर्फ और सिर्फ रेड वाला पार्ट खाऊंगा। व्हाइट वाला कौन खाएगा? व्हाइट वाला छोड़ देगा, बोला इतना 70-80 रुपए का। गाइस दीदी से खुल नहीं रहा है ये। अबे बहुत भयंकर तरीके से लगाया इसमें, बहुत ही पिचक गया कहीं नीचे। व्हाइट वाला नहीं खाना है, रेड पार्ट खाना है ओनली। कई तो सोच रहे हैं, हाँ तो नीचे से ही निकालो। डर लगी इसकी इंग्लिश देख रहे हो, डर लगी नीचे गिरेगी। सॉरी सॉरी सॉरी। गुलू कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा है, मतलब यमी है। हाँ? मेरे को नहीं लगता है कि ये 60 कितने का? 60। मेरे को नहीं लगता ये 60 रुपीस का है, इसको होना चाहिए था 40-50 रुपीस का। हाँ कुछ ज़्यादा ही महंगा, और क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है मतलब इसके, है ना। हाँ, और वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। वेट से तो होता नहीं है, बट मुझे नहीं लगता, मतलब 40 का होता तो ठीक था, बट 60 का नो प्रॉब्लम, बट ठीक है। टेस्ट कैसा है? बहुत टेस्टी। तो गाइज अब आपको मिलते हैं हम डिनर में, तब तक मैं इसको इंजॉय करता हूँ। यस तो गाइज फाइनली हमें स्ट्रॉबेरी मिल चुकी है और ये 80 रुपए की है। यहाँ पे अनार भी है। अनार कितने रुपए किलो है अंकल? अनार 100 रुपए किलो। तो हम लेंगे स्ट्रॉबेरी क्योंकि यही लग रहा है अभी। और रेड दिख रहा है कुछ भैया? ये रेड बुल अंदर से रेड कलर की होती है क्या? ये मैंने एड में देखा था। रेड फूड ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम घर में, और रात के खाने के लिए हमें कुछ मार्केट में नहीं मिला, तो घर में हमें कुछ ट्राई करना पड़ेगा। और टी टाइम पर हमने जो है कुछ अच्छा प्रॉपर रेड नहीं खाया था, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था। तो उस टाइम पर मैंने ये दो जेली ली थी जो कि मैं अभी खाने वाली हूँ। एंड ऐसी जेलियां ना हम बचपन में खाते थे। एंड आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो, आपको काफी लाइट रेड लग रहा होगा, बट ये पूरा प्रॉपर रेड है। वो टेस्ट करते हैं और अपने बचपन को जो है याद करते हैं, लेट्स सी कैसा होता है। अरे उन्होंने उसे खोलना कैसे? एंड एक ये गोलू की है, तो गोलू अभी शूट कर रहा है, तो पहले मैं टेस्ट करती हूँ। इसका जो टेस्ट है ना वो मैं आपको नहीं डिफाइन कर सकती हूँ। एंड ये काफी ज्यादा टेस्टी हो रहा है, मतलब वो पेस्ट्री से तो काफी ज्यादा अच्छा है और सस्ता भी है। मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ इस चैलेंज को, बाहर भी हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया। एंड अभी हम ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो बस अभी मिलते हैं फिर रात को आपसे। सो गाइज अभी हो चुका है हमारा डिनर टाइम, और आप जो ये मेरे फेस पर स्माइल देख रहे हैं ये बिल्कुल एक नंबर की फेक स्माइल है। यू नो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है ये रेड फूड चैलेंज करते हुए। आई डोंट नो मैंने ऐसे क्या खा लिया कि मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है, और बाहर जो है वो बारिश आ रही है, और इस ठंड में मुझे अभी किचन में जाना पड़ेगा और अपना रेड फूड जो है वो तैयार करना पड़ेगा। एंड मुझे बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, बट तैयार तो करना पड़ेगा, अब चैलेंज किया है तो। या चलो अभी चलते हैं। सो माई YouTube फैमिली अभी मैं हाजिर हूँ आपके साथ लेकर ये गर्मा गर्म लाल कलर का खाना, और अभी जल्दी से इसे खाते हैं। सो डिनर करने से पहले मैं आपको डिटेल दे देती हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ डिनर में। यहाँ पर मेरे पास है रेड कलर के नूडल्स, रेड कलर के एग, और साथ में मेरे पास है यहाँ पर अनार का जूस, और मेरे पास है यहाँ पर रेड कलर की स्ट्रॉबेरी जो कि मेरी फेवरेट है, और साथ में मेरे पास ये दो रेड कलर की ड्रिंक है। तो ये भी हम खाएंगे या ये भी हम पियेंगे जब भी मुझे मन करेगा। सो अभी जो है फटाफट नूडल टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं नूडल्स खाऊं या फिर एग खाऊं, तो सबसे पहले मैं एग खाने वाली हूं। सो आपको ये रेड टमाटर जैसे लग रहा होगा, बट ये है एग। एंड ये अभी खाते हैं। मैंने जो है सॉल्ट थोड़ा ज्यादा डाल दिया एग में, एंड
थोड़ा तो मतलब नमकीन सा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही लग रहा है। सो अब हम टेस्ट करेंगे अपनी रेड कलर की नूडल्स एंड ये देखने में बहुत ज्यादा यमी लग रहा है। और अभी खाना खाते हुए मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बट इससे पहले मुझे बहुत नींद आ रही थी। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये बहुत जल गया है नीचे से, तो बहुत कड़वा हो रहा है। सो गाइज मेरे नूडल्स जो है वो नीचे से जल चुके हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है। एंड जब मैंने ब्लैक फूड चैलेंज करा था ना, तो बहुत लोग बोले थे कि तुम सच में बड़ा पूरे दिन ब्लैक कलर का फूड खाए थे। तो हाँ, मैं उस दिन पूरा दिन ब्लैक कलर का फूड खाई थी और खाना खाने का मेरा मन ही नहीं करा क्योंकि वो बहुत ज्यादा वियर्ड था। और आज भी जो है मैंने पूरा रेड कलर का खाना खाया है और उसी से पेट इतना ज्यादा फुल हो गया था कि कुछ मतलब जो रियल खाना है वो खाना खाने का मन ही नहीं करा। एंड नीचे कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट कौन सा फूड चैलेंज देखना चाहते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में ना आइडिया नहीं आता एकदम से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा देखना चाहते हो, तो उससे ना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। मतलब आप क्या देखना चाहते हैं मैं वो बनाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है। अगर आपने ब्लैक फूड चैलेंज नहीं देखा तो मैं इधर आई बटन में दे दूंगी, तो आप ब्लैक फूड चैलेंज वाला वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसमें मैंने सच में बहुत ज्यादा वियर्ड चीजें खाई थी। आप ये वाला वीडियो किस टाइम पर देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं या फिर रात को देख रहे हैं? अगर आप ये वीडियो रात को देखोगे ना, आपके मुंह में जरूर पानी आने वाला है और फिर आप ना मुझे गालियां दोगे कि इसको ये वीडियो बनाना जरूरी था क्या, मतलब हमारे मुंह में पानी आ गया, अब हमारा भी मैगी खाने का मन कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं किसी और का फूड चैलेंज वीडियो देखती हूँ तो मेरे मुंह में भी जरूर पानी आता है और मैं कुछ ऐसे ही बोलती हूँ, तो मुझे पता है आप लोग मुझे भी ऐसे बोलने वाले हो। बट अगर आपका मन करे तो जरूर आप बना सकते हैं रात के 1 बजे 2 बजे जब भी आप चाहो। अभी मैं इसे फटाफट से खत्म करती हूँ और हम डिनर करने के 20 या 15 मिनट बाद आपको मिलेंगे स्ट्रॉबेरी खाते हुए। 15 मिनट आई थिंक काफी है, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो या अभी जल्दी से इसे खाते हैं और मिलते हैं आपको। सो डिनर करे हुए मुझे 20 से 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा खाना जो है वो गले से नीचे जा चुका है, तो अब मैं तैयार हूँ अपनी स्ट्रॉबेरी खाने के लिए। इतना सारा फास्ट फूड खाने के बाद लास्ट में हम अच्छे फूड के साथ सो रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा यू नो अच्छी बात है। एंड मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं एटलीस्ट सोते हुए तो कुछ बाहर का या फास्ट फूड नहीं खा रही हूँ। सो हे गाइस, ये वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आज हमने बहुत सारा लाल खाना खाया, रेड फूड खाया। सो खाने के जो कुछ आइटम थे वो काफी ज्यादा डिलीशियस थे, कुछ थम्स डाउन वाले भी थे। ओवरऑल मैंने ये वीडियो काफी ज्यादा एंजॉय करी शूट करने में और खाना खाने में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद का तो पता नहीं, बट अगर आपके मुंह से थोड़ा सा भी मेरा फूड देखकर पानी आया ना, तो नीचे वीडियो में एक कमेंट जरूर कर देना, प्लीज कर देना यार, ताकि मुझे पता लगे कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।